नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये लिखते हैं कि क्या जंपसूट्स की कोई निर्धारित समय अवधि होती है। लिखते हैं कि आई मीन टू से दैट एक निर्धारित समय के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, क्या राय है आपकी, जरा बताएं। तो ये कैसे कहे कि रत्न की कोई अवधि होती है और ये अवधि को तय किसने किया? कैसे जाना कि भाई ये 2 महीना या 2 साल 56 दिन चलने वाला है? किस दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं आप? क्या जिस दिन से पहने उस दिन से कैलकुलेट करें या ये जब बना था तब कैलकुलेट करें? इस संबंध में हमने वीडियो पहले बनाए हुए हैं, फिर भी क्योंकि सवाल आया हुआ है तो मैं समझता हूं उसको उत्तर देना चाहिए। हो सकता है पुराने वीडियो इन्होंने देखा नहीं होगा, तो बहुत सारे दर्शक जो आप अभी देख रहे हैं शायद आपने देखा नहीं होगा। देखो, जो एक्सपायरी की बातें हम करते हैं, जैसे कोई मेडिसिंस होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिंस बनती हैं, उसके ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होता है, एक दूसरा होता है उसका एक्सपायरी डेट। जो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी उसकी एक्सपायरी डेट होना तय है, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु तय है, ये तो हम समझते हैं चीज़ों को। लेकिन जो हमारे समझ से परे है, जैसे पृथ्वी की सृष्टि हुई, यहां धरती के अंदर में जो रत्न वगैरह हैं पैदा हुए, लाखों अरबों खरबों कितने सालों से पैदा हुए, कब पैदा हुए हमें मालूम नहीं है, कुछ जानते नहीं है। जिसको हमने निर्माण किया हुआ है उसकी तो एक्सपायरी के बारे में बात कर सकते हैं, जिसको ना तो हमने निर्माण किया ना हमको जानते हैं तो हम क्या कहें कि एक्सपायरी कब होने वाली है? जैसे आपका मिट्टी है, सॉयल है, रेत है, समुद्र का रेत है, कब एक्सपायर होगा ये? समुद्र की लहरें हैं, कब एक्सपायर होने वाले हैं ये? ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, कांचनजंगा, हिमालय और नर्मदा नदी के पत्थर, ये कब एक्सपायर होने वाले हैं? नहीं जानते हम। प्रकृति में चीजें एक्सपायर होती नहीं है, क्योंकि जो चीजें होती है ना, ये जो प्राकृतिक ढंग से बने हुई चीजें होती हैं, ये है क्या? ये एनर्जी का, शक्ति का एक घनापन है, कंडेंस्ड फॉर्म है। साइंस ये कहता है कि वस्तुतः कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मतलब कोई चीज जो मैटर कहते हैं इसको, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सभी वेव फॉर्म्स में है, वेव्स में है। जैसे भगवान बुद्ध को जब एनलाइटमेंट प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या कहा कि सारी सृष्टि कैसे दिखती है? प्रकंपमान है, प्रकंप प्रकंपित है, प्रकंपो प्रकंपो, उन्होंने ऐसा कहा, प्रकंपित हुआ। साइंस भी ये कहता है कि ये सब वेव्स है, वेव्स है। ये वेव जब घनीभूत कंडेंस हो जाती हैं तो फिर ये मैटर बन जाती है, रत्न भी एक मैटर ही है उसमें अगर देखा जाए तो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये एनर्जी जो होती है ये कन्वर्ट हो सकती है लेकिन एक्सपायर नहीं हो सकती है। एनर्जी कन्वर्टेबल, एक्सपायर डेट इसके होती नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि एनर्जी या मैटर एक्सपायर नहीं होती है तो ये कैसे कहें कि रत्न की कोई अवधि होती है और ये अवधि को तय किसने किया? कैसे जाना कि भाई ये 2 महीना या 2 साल 56 दिन चलने वाला है? किस दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं आप? क्या जिस दिन से पहने उस दिन से कैलकुलेट करें या ये जब बना था तब कैलकुलेट करें? ये सब जालसाजी है मेरे नजर से। मुझे लगता है कि ये धोखाधड़ी का एक मार्केट का एक हिस्सा है कि इतने साल में भैया इसको आप बदल दो, ये एक्सपायर हो गया, और क्या करो हमें लाके आधे रेट पे बेच दो। अरे भैया आप क्या करोगे इसका, ये तो एक्सपायर हो चुका है, करोगे क्या? लेकिन करते क्या है, इसको फिर धो धा के सफाई हो जाएगी, पॉलिशिंग वगैरह हो जाएगी, चमक आ जाएगा, फिर बेच देंगे उसको। इसका मतलब एक्सपायर हुआ ही नहीं था, वो फालतू में अपने पैसे आधे गंवा दिए, वो फिर नया खरीद लिया आपने वहां से जाकर, और धन्यवाद भी दिए, अरे कितने भले आदमी, कितने भले दुकानदार, देखो हमको आधे रेट से खरीद लिए, फिर उस दुकान से हम नया खरीद लेते। इसको क्या कहेंगे? इसको स्कैम कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसको आप? तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की जो बातें करते हैं कि जंपसूट्स एक्सपायर हो जाते हैं, ये फिजूल की बातें हैं, कुछ एक्सपायर नहीं होता है, इसको आराम से पहनिए आप, पूरा काम करेगा। हाँ, आप सोचेंगे एक्सपायर हो चुका है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप ही उसको खराब कर रहे हैं एक्चुअली। तो
मिस्टर हरियाणा जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको, और मेरे दर्शक वृंद जो देख रहे हैं आपको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अभी करें और बेल बटन को दबा दें और नीचे अपना सवाल लिख के मुझे भेज दें ताकि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।